Hey, good morning, students. You all are welcome to lecture 3 of our Python series. Students, lecture 2 में हमने keywords को discuss किया, tokens को discuss किया था. और tokens में मैंने तीन type के tokens पढ़ा दिए थे. That is keywords, identifiers और literals. Lecture 2 उनकी detail explanation है इन तीनों tokens की. Lecture 2 का link आपको description में मिल जाएगा. आज हम फोर्थ टाइप ऑफ टोकन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑपरेटर. आज का जो लेक्चर 3 है हमारा वो ऑपरेटर्स पे है, पाइथन के जितने भी ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स को आज. हेडिंग, मैं एक बार पुराने कंसेप्ट को भी इसमें लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि ऑपरेटर्स जो है वो टोकन्स का ही पार्ट है. ठीक, तो लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था टोकन्स. टोकन्स में हमने फर्स्ट टाइप ऑफ टोकन्स कीवर्ड के बारे में जाना था. ठीक, सेकेंड था आइडेंटिफायर्स के बारे में जाना था. थर्ड था लिटरल्स. और उसके बाद आज हमें अपना फोर्थ टोकन शुरू करना है, दैट इज ऑपरेटर्स. ठीक है, उस दिन मैंने जब आपको टोकन समझा रहा था तो मैंने एक स्टेटमेंट ली थी और उस स्टेटमेंट में मैंने टोटल बताए थे, टोटल 6 टोकन्स है. मतलब जो मेरा लेक्चर 2 है उसको आप देखेंगे तो उसमें एक टोकन्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ था. उस एग्जाम्पल को कुछ ऐसा लिया हुआ था, a इज इक्वल्स टू int और उसके अंदर एक नंबर डाला था 10 और मैंने बताया था कि इसमें टोटल 6 टोकन्स हैं. अब 6 टोकन्स कैसे हैं, उसमें से मैंने दो टोकन्स तो उसी टाइम काउंट करवा, तीन टोकन्स उसी टाइम काउंट करवा दिए थे. एक इंट एक कीवर्ड था, a एक आइडेंटिफायर था और 10 एक लिटरल था. ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है ऑपरेटर्स, ये फोर्थ टाइप ऑफ टोकन है. इसको पढ़ाने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि जो चौथा नंबर का टोकन है आपकी स्टेटमेंट में वो कहां पे है. ठीक, नेक्स्ट आज की हेडिंग ऑपरेटर्स. अब ऑपरेटर्स होता क्या है? ऑपरेटर्स आर द टोकन्स. ऑपरेटर्स वो टोकन्स होते हैं दैट परफॉर्म सम कंप्यूटेशन when applied to one or more operand. ऑपरेटर वो टोकन होते हैं जो कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म करा देते हैं जब एक या एक से ज्यादा ऑपरेंड पे वो अप्लाई किया जाता है. ऑपरेंड यहाँ पे वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है. ऑपरेंड वेरिएबल दोनों एक ही चीज है. ठीक है, अब ऑपरेटर्स हैं कितने टाइप के हमारे पास? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर है वो दो टाइप्स में बटे हुए हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. ठीक है, फर्स्ट यूनरी ऑपरेटर. सेकंड बाइनरी ऑपरेटर्स. ठीक है, उसके बाद अब सबसे पहली चीज यूनरी ऑपरेटर क्या होता है. यूनरी ऑपरेटर हालांकि उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स नहीं है और आप पूरी सीरीज जब फॉलो करोगे तो आप चीज एक बार ये नोटिस भी करोगे कि यूनरी ऑपरेटर्स का बहुत ही रेयर यूज आएगा कोडिंग में, बहुत ही रेयर. ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर्स दैट रिक्वायर वन ऑपरेंड टू ऑपरेट अपॉन. वो ऑपरेटर जिनको चलने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड या वेरिएबल, ऑपरेंड इन्होंने में भाई वेरिएबल के लिए यहाँ पे वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, वो यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं. ठीक, हमारे पास पाइथन में यूनरी ऑपरेटर है कौन कौन से? प्लस, माइनस, नॉट. ठीक, प्लस जो है ये यूनरी प्लस है. अब लग रहा होगा कि यार प्लस तो दो वेरिएबल्स के बीच चलता है, एक लेफ्ट साइड नंबर चाहिए एक दूसरी. ये जो प्लस है ये यूनरी प्लस है. हाँ, एक वैसा भी प्लस आएगा मगर वो बाइनरी का पार्ट है. तो अब सर दोनों में फिर फर्क क्या है? कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि ये प्लस यूनरी है ये प्लस बाइनरी है? मैं आपको बताता हूँ यूनरी प्लस या यूनरी माइनस का यूज क्या होता है, क्योंकि माइनस भी ऐसा ऑपरेटर है जो दो नंबर्स के लिए यूज होगा. ठीक, इसे लॉजिकल नेगेशन बोलते हैं. है क्या, मैं आपको समझाता हूं. यूनरी प्लस और यूनरी माइनस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेरिएबल का सिंबल बदलने का काम करते हैं. अगर मान लो आपके पास एक वैल्यू है ए नाम की और उसकी वैल्यू 5 है. अब आपको ए को नेगेटिव फॉर्म में प्रिंट करना है तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर माइनस ए लिख दो तो ऑटोमेटिकली वो
क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो नेगेटिव सिंगल वेरिएबल है और माइनस उसके साथ लगाया जा रहा है, तो वो यूनरी माइनस की तरह वर्क करेगा, जो उसका सिर्फ सिंबल बदलेगा। ठीक, अब सर अगर हमें माइनस फाइव ही डिस्प्ले करना है या माइनस फाइव ही ऑपरेट करना है, तो आप ए में डायरेक्टली माइनस फाइव ही डाल दो ना, तो भाई लॉजिकली यही बात होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इन ऑपरेटर्स का यूज नहीं है ज्यादा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको जब नेगेटिव नंबर ही चाहिए तो हम डायरेक्टली नेगेटिव ही डालें ना, उसको पॉजिटिव बना के नेगेटिव यूनरी माइनस का यूज करके उसको नेगेटिव करने का मतलब क्या। और ऐसे ही नॉट का केस होता है। नॉट क्या होता है कि कंडीशन को उल्टा कर देता है। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो नॉट का तो कहीं कहीं फिर भी यूज हो जाता है, मगर ज्यादातर में नहीं होता है। ठीक, कैसे मैं आपको बताता हूं। मान लो आपकी कोई कंडीशन है, अब आपको उसको उल्टा चलाना है, तो अब सीधी सी बात है यार, कंडीशन को ही उल्टा लिख दो ना, क्योंकि एक कंडीशन का रिवर्स भी हो गई, जहां पे इक्वल्स टू लगा रहे हो वहां पे नॉट इक्वल्स टू लगा देना। ठीक, तो इसलिए यूनरी ऑपरेटर्स का कोई खास यूज नहीं होता है, ये बस टाइप है, पार्ट है, तो बताना था। कोडिंग में आपको कहीं नहीं मिलेगा इनका यूज। ठीक, इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर आते हैं, दैट आर बाइनरी ऑपरेटर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। और ये ऑपरेटर कोडिंग में हर जगह कोई ना कोई ऑपरेटर, चाहे इसके जितने टाइप्स हैं सब में से कोई ना कोई हर कोडिंग में आता जरूर है। सबसे पहली चीज तो एक इक्वल्स टू ही जो दिख रहा है आपको, वो एक असाइनमेंट ऑपरेटर का पार्ट है। देखो इधर भी मैंने स्टेटमेंट लिखी है, उसमें भी वो आ गया, तो इक्वल्स टू तो बहुत कॉमन है। ठीक, और वो बाइनरी ऑपरेटर्स का पार्ट है। अब बाइनरी ऑपरेटर होता क्या है, पहले इनके बारे में लिख लेते हैं। द ऑपरेटर दैट रिक्वायर, जिनको चलने के लिए टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स या वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट अपॉन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स, उन्हें बाइनरी ऑपरेटर्स बोला जाता है। अब बाइनरी ऑपरेटर फर्दर डिवाइड है सब टाइप्स में, बाइनरी ऑपरेटर फर्दर टाइप्स में डिवाइडेड है, तो हेडिंग है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ बाइनरी में पहला टाइप है अरिथमेटिक, एक एक करके सारे समझेंगे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक में कौन कौन से आते हैं, अरिथमेटिक में आता है प्लस माइनस, अब देखो यहाँ पे भी प्लस आ गया, मगर ये बाइनरी वाला प्लस है, तो ये अब दो ऑपरेंड्स के साथ चलेगा। वो वाला यूनरी प्लस था, सिर्फ सिंबल बदलने का काम करता है। ए की वैल्यू फाइव है तो प्रिंट माइनस ए लिख दो, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव फाइव डिस्प्ले होगा। ठीक, ये दो नंबर्स को एड कराएगा, और माइनस यहाँ पे दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराएगा, तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड परसेंटेज, ये रिमाइंडर का ऑपरेटर होता है, परसेंटेज सिंबल बनता है, डबल एस्ट्रिक, दो बार एस्ट्रिक सिंबल और दो बार डिवाइड का सिंबल। अब इनको कहते क्या है, तो भाई पहले चार तो बहुत कॉमन है, मैथ्स में कई बार यूज किए हैं, एडिशन, दो नंबर्स का एडिशन करते हैं, जैसे फाइव और टू के बीच में मैं प्लस लगा दूं तो रिजल्ट मुझे सेवन देगा। दूसरा ऑपरेटर आपका सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या करता है भाई, दो नंबर्स के बीच सब्ट्रैक्शन करता है, जैसे फाइव माइनस टू लिखते हैं तो थ्री आएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू टू इज इक्वल्स टू 10 आएगा। नेक्स्ट डिविजन, डिविजन 5 डिवाइडेड बाई 2, अब इधर 2.5 आएगा। मतलब डिविजन ऑपरेटर ने आपको जो वैल्यू रिटर्न करी है वो फ्लोट डेसिमल फॉर्म में करी है, क्योंकि 5 को आप 2 से डिवाइड करो तो 2.5 ही आता है ना क्वोशेंट। अब सर अगर मान लो हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, तो भी डेसिमल वैल्यू आएगी या फिर इंटीजर, क्योंकि 4 तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो याद रखना, डिवाइड सिंबल हमेशा आपको डेसिमल वैल्यू ही देता है, चाहे आपकी वो डेसिमल आ रही हो चाहे वो ना आ रही हो। अगर वो नहीं भी आती ना डेसिमल, तो वो 0.0 लगा देता है उसके पीछे। नेक्स्ट डिविजन के बाद अगला ऑपरेटर रिमाइंडर ऑपरेटर कहलाता है। ठीक, रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है भाई, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। 5 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। नेक्स्ट पावर ऑपरेटर, पावर अगर मैं लिखता हूं 5 डबल एस्ट्रिक 2, तो मतलब यहाँ पे पहला वाला जो आगे नंबर होता है वो बेस बनता है, और पीछे वाला नंबर एस्ट्रिक के बाद वाला नंबर, राइट साइड वाला नंबर, वो एक्सपोनेंट बन जाता है, मतलब उसकी पावर बन जाता है। तो अल्टीमेटली बन जाएगा 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर, दैट इज 25।
लास्ट ऑपरेटर दैट इज, इसको कहते हैं भाई फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है? फ्लोर डिवीजन बिल्कुल डिवीजन की तरह ही वर्क करता है, बट इसमें डिफरेंस डिवीजन से ये है कि ये हमें जो वैल्यू देता है वो इंटीजर फॉर्म में देता है, वो डेसिमल नहीं देता। जैसे कि अगर मैं 4 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो 4 तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड है ना, तो आपको 2 आंसर देगा ना कि 2.0। और सर अगर मान लो हम 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 5 फ्लोर डिवीजन बाय 2, तो वो हमें 2.5 की जगह अभी भी 2 ही देगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वो इंटीजर वैल्यू देनी है उसने, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 तो डेसिमल आता है 2.5, तो वो पॉइंट के बाद की वैल्यू इग्नोर कर देगा। अब कई बच्चों को ये भी लगता है कि सर अगर मान लो किसी डिवीजन का रिजल्ट 2.9 आना है तो इंटीजर में क्या उसे वो 3 कन्वर्ट करेगा? ऐसा नहीं होता भाई। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में अगर आप किसी भी डेसिमल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस डेसिमल के बाद चाहे 0.9999 क्यों ना हो, वो आंसर में डेसिमल से पहले वाला जो नंबर होता है ना वही देता है। मतलब 3.9 का भी इंटीजर फॉर्म 3 ही होगा, ना कि 4 होगा। ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बाइनरी के। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर है आपके पास, दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, अब रिलेशनल में कौन कौन से आते हैं भाई? इक्वल्स टू आता है एक, ठीक, इसका नाम भी इक्वल्स टू है। अच्छा, एक जो बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास, वो हमें जो रिजल्ट रिटर्न करते हैं, जैसे देखो प्लस ऑपरेटर ने आपको रिजल्ट एक इंटीजर दिया, जब दो इंटीजर ऐड हो रहे हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर दे रहा है, मगर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये जब भी रिजल्ट देते हैं तो बुलियन वैल्यू देते हैं। बुलियन वैल्यू मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। जैसे कि ये कंडीशंस के साथ चलते हैं, अगर मैं लिखता हूं 4 = 4, तो एक बात बताओ 4 के इक्वल होता है क्या? हाँ होता है भाई, तो ये आपको ट्रू दे देगा। ठीक, क्योंकि कंडीशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि या तो वो ट्रू ही होती है या तो फॉल्स होती है, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद अगला ऑपरेटर भाई ग्रेटर देन, अगर मैं लिखता हूं 4 > 4, तो अब ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्यों? क्योंकि 4 से ग्रेटर होता नहीं। अगला ऑपरेटर ग्रेटर देन के बाद लेस देन, ठीक, और अगर मैं यहां कंडीशन में लिखता हूं 4 < 4, तो अभी भी फॉल्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से कम भी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक, अब ये क्या करता है भाई? ये भी कंपैरिजन जो करेगा, अगर मैं जैसे यही 4 वाला एग्जांपल लेता हूं, तो क्या 4 ग्रेटर या इक्वल्स टू होता है 4 के? तो भाई ये आपको रिजल्ट ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर या इक्वल्स में से कोई भी एक ऑपरेशन चलनी चाहिए। अगर मैं लिखता हूं 4 > 4, तो या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो, दोनों में से अगर कुछ भी होगा तो ये रिजल्ट में मुझे ट्रू देगा। हाँ, अगर लेस होता आगे वाला नंबर, जैसे 3 > 4 लिखा होता, तब फॉल्स आता। ठीक, अगला आता है लेस देन इक्वल्स टू, बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल्स टू की तरह, ये भी लेस या इक्वल्स टू, दोनों में से कुछ भी होगा तो ये रिजल्ट ट्रू दे देगा वरना फॉल्स। जैसे मैं लिखता हूं 4 > 4, तो यहां भी अभी ट्रू ही आएगा। क्यों ट्रू आएगा? क्योंकि 4 लेस नहीं है मगर इक्वल्स टू तो है ना, तो इसलिए 4 > 4 आएगा। और लास्ट रिलेशनल या कंपेरिजन ऑपरेटर है आपका, दैट इज नॉट इक्वल्स टू, इसे नॉट इक्वल्स टू बोलते हैं। ठीक, और क्या 4 > 4 है? यहां कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? कि भाई 4 तो 4 के इक्वल होता है ना, तो ये हमारा हो गया कौन सा ऑपरेटर? रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर बाइनरी में ही, बाइनरी का थर्ड टाइप, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। आगे कोडिंग जब हम करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी जगह इनका यूज है, बहुत सारी जगह, हर कंडीशन में इनका कहीं ना कहीं रोल होगा, रिलेशनल का और लॉजिकल का। ठीक, अब लॉजिकल ऑपरेटर हैं कौन कौन से हमारे पास? फर्स्ट है लॉजिकल में और ऑपरेटर,
अब और ऑपरेटर करता क्या है? द और ऑपरेटर कंबाइंस टू एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस का मतलब यहाँ पे कंडीशंस की बात हो रही है. दो कंडीशंस को, मतलब ये दो कंडीशंस के बीच लगता है एंड रिटर्न्स, हमें रिटर्न करके देता है क्या? ट्रू. कब? इफ आइदर ऑफ इट्स एक्सप्रेशन इज ट्रू. अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें रिजल्ट ट्रू दे देता है. जैसे कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसे समझाता हूँ. पहले मैं आपको और ऑपरेटर की टेबल बना के दिखा देता हूँ. जैसे अगर मान लो आपके पास दो कंडीशन है, सी वन सी टू, ठीक. अब कंडीशन की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कि कंडीशन या तो ट्रू होती है या तो वो फॉल्स होती है, ठीक. तो जैसे मैथ्स में आपने एक वो केस पढ़ा होगा कि जब दो कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसका सैंपल स्पेस निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, ठीक. तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में क्या होता है कि दो कॉइन को कहते हैं कि एक साथ टॉस किया. अब कॉइन का क्या नेचर होता है कि उसके दो ही फेसेस होते हैं, या तो हेड ही आ सकता है टॉस करने पे या तो टेल्स आ सकता है. और आपको पता है कि जब दो कॉइन्स एक साथ टॉस होंगे तो सैंपल स्पेस चार बनते थे. डबल हेड हो सकता है, दोनों हेड आ जाए, हो सकता है पहला हेड हो दूसरा टेल हो, हो सकता है पहला टेल हो दूसरा हेड और हो सकता है दोनों ही टेल हो. तो ऐसे कंडीशन के भी तो दो ही फेसेस है ना, या तो या ट्रू या तो फॉल्स. तो कंडीशन भी ऐसे ही रिजल्ट देती है. क्या हो सकता है भाई दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो? हो सकता है पहली तो फॉल्स हो मगर दूसरी ट्रू हो, हो सकता है पहली ट्रू हो मगर दूसरी फॉल्स हो, और हो सकता है दोनों ही ट्रू हो. और कोई सैंपल स्पेस आप बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक. अब अगर मैं इन दो कंडीशंस के बीच C1 C2 के बीच और लगा देता हूं, तो याद रखना डेफिनेशन ये कहती है कि दोनों में से अगर एक भी आइदर ऑफ इट्स एक्सप्रेशन इज ट्रू, वो हमें ट्रू दे देगा. जब दोनों फॉल्स होंगी तभी फॉल्स देगा. तो पहली सिचुएशन में तो फॉल्स आएगा मगर उसके बाद के तीनों केसेस में ये मुझे ट्रू देगा. क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो और ऑपरेटर आपको ट्रू दे देता है, ठीक. इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं. मान लो मेरे पास दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है 4 = 4, और लगा हुआ है बीच में और लिखा है 5 + 2 > 7. तो आपको दिख रहा है कि भाई आपकी दूसरी कंडीशन फॉल्स है मगर पहली ट्रू है. तो जब पहली ही ट्रू निकल गई तो और दूसरी को देखेगा ही नहीं और हमें आंसर ट्रू दे देगा. क्यों? क्योंकि एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू. और अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 4 ≠ 4 और पहली फॉल्स हो गई और दूसरी को भी मैं फॉल्स ही कर देता हूं, 5 + 2 > 7 या < 7, तो अभी भी दोनों फॉल्स हैं. तो अब ये रिजल्ट में मुझे फॉल्स देगा. क्यों? क्योंकि दोनों फॉल्स हैं इसलिए. क्लियर? तो होप सभी को लॉजिकल और ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा कि और ऑपरेटर कैसे चलता है. अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं. क्यों? क्योंकि एंड इससे बहुत मिलता जुलता है, ठीक. क्या है मैं आपको बताता हूं. नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका लॉजिकल एंड ऑपरेटर. मैं यहाँ पे इसे सेकंड हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक. मैं यहाँ पे टाइप इसलिए करता चलता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप नोट्स इजीली बना सकें. स्क्रीन को रोक के आप आराम से नोट्स कर सकते हो, इसलिए मैं सारी चीजों को टाइप करता चलता हूँ. जब कोडिंग आएगी तो कोडिंग को यहाँ पे इसमें भी बताऊंगा और आपको चला के भी प्रॉपरली रन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे कोड रन करता है, कैसे उसका आउटपुट आएगा, सारी बातें, ठीक. नेक्स्ट अगला ऑपरेटर है आपका भाई एंड ऑपरेटर. अगला ऑपरेटर है आपका एंड ऑपरेटर. तो डेफिनेशन क्या कहती है? द एंड ऑपरेटर कंबाइंस टू कंडीशंस, ये भी दो कंडीशंस के बीच लगता है, एंड रिटर्न्स ट्रू इफ आइदर की जगह बस एक वर्ड ऐड कर दो बोथ. जब उसकी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी वो ट्रू देता है. जैसे कि अगर मैं यहीं पे एंड की और की बजाय एंड लगा दूं तो ये तीनों केसेस फॉल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक भी फॉल्स तो फॉल्स, जब दोनों ट्रू तभी ट्रू, और इधर हमारे दोनों रिजल्ट फॉल्स हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि पहले वाले में पहली तो ट्रू है मगर दूसरी फॉल्स है, ठीक. तो यहाँ पे एंड कर देता हूँ, इधर भी एंड कर देता हूँ, और आपको समझ आ गया होगा कि एंड ऑपरेटर क्या चीज है, ठीक. एंड के बाद एक ऑपरेटर और है, हालांकि वो यूनरी का ही पार्ट है मगर वो भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है, जो मैंने यूनरी में लिखाया भी था. मैं इधर एक बार बता देता हूँ उसको, दैट इज नॉट ऑपरेटर. यूनरी में मैंने उसे लिखाया था, वो यूनरी का ही पार्ट है मगर है वो भी कंडीशंस पे ही चलता है, तो मैं एंड और के साथ ही बता रहा हूं उसको भी, ठीक. अब नॉट ऑपरेटर करता क्या है? द नॉट ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन
वन एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन मतलब एक ही कंडीशन पे ये चलता है, एंड रिवर इट रिवर्सेस, और ये रिवर्स कर देता है, रिवर्सेस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जो भी ट्रूथ वैल्यू होती है उसको ये रिवर्स कर देता है। जैसे कि पहले मैं आपको कंडीशन से समझा देता हूं, अगर आपके पास एक ही कंडीशन है तो एक कंडीशन की प्रॉपर्टी क्या है भाई, या तो वो फॉल्स होगी या तो वो ट्रू होगी, दो कंडीशन तो है नहीं कि हम वो सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो अगर इस C1 के आगे नॉट लग जाए तो ये फॉल्स वाली जो कंडीशन है उसको ट्रू करेगा, और जो ट्रू वाली कंडीशन है ये उसको फॉल्स कर देगा। जैसे कि छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं हम लोग। अगर मान लो मैं लिखता हूं नॉट 4 = 4, तो आपको पता है 4 के इक्वल होता है, मतलब मेरी कंडीशन तो ट्रू आएगी मगर नॉट ट्रू क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। इस वजह से आपका जो रिजल्ट है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक। और अगर मैं लिखता हूं नॉट 5 > 7, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि आपकी कंडीशन फॉल्स है मगर नॉट फॉल्स क्या हो जाता है, ट्रू। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। तो होप सभी को तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर, और ऑपरेटर, कंडीशंस, ये सब थे रूल्स सारे, एंड ऑपरेटर, ये सारे रूल्स थे, और लास्ट में नॉट ऑपरेटर, ये सारे रूल्स थे, ठीक। तो इसी के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी खत्म। नेक्स्ट अगले टाइप के ऑपरेटर्स दैट आर आपके हमारे अरिथमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब भाई ये वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं, ठीक। इज इक्वल्स टू, इसका नाम है असाइन इक्वल्स। अब कई लोगों को ये भी डाउट रहता है कि सर डबल इक्वल्स टू में और सिंगल इक्वल्स टू में फर्क क्या है। भाई डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है, मतलब अगर आप ए डबल इक्वल्स टू 5 लिख रहे हो तो इसका मतलब आप चेक कर रहे हो, कंप्यूटर से पूछ रहे हो कि मेरे ए की वैल्यू 5 तो नहीं है, अगर 5 है तो मुझे ट्रू दे दो और नहीं है तो मुझे फॉल्स दे दो। तो वो कंपैरिजन कंडीशन है एक तरीके से, मगर ये जो इक्वल्स टू सिंगल इक्वल्स टू है इसमें आप बता रहे हो कि भाई मेरे ए की वैल्यू 5 ही है, आप ए में 5 स्टोर करा रहे हो, ये होता है असाइन इक्वल्स, क्लियर। तो सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू में ये फर्क होता है। नेक्स्ट एक आता है प्लस इज इक्वल्स टू। अब प्लस इज इक्वल्स टू क्या होता है, इसे बोलते हैं असाइन सम। अब पहले क्या करता हूं मैं ना, इसको समझा देता हूं, ये प्लस इक्वल्स टू वाला केस ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, उसके बाद फिर मैं इसके सारे ऑपरेटर लाइन से लिख देता हूं, या एक काम करता हूं पहले लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। ए प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो इसका क्या मतलब होगा, ठीक। पहले मैं सारे लिख देता हूं जो भी है, माइनस जितने भी अरिथमेटिक है ना हमारे पास वो सारे इसके साथ चलते हैं, असाइनमेंट के साथ, असाइन माइनस या सब कह सकते हो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन वो असाइन एडिशन था, यहाँ पे a माइनस इज इक्वल्स टू 5 लिखा जा सकता है, a माइनस इज इक्वल्स टू 5, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, इसके बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू, इसके बाद रिमाइंडर इज इक्वल्स टू, इसके बाद पावर इज इक्वल्स टू, और इसके बाद फ्लोर डिविजन इज इक्वल्स टू, ठीक है। इनका नाम बिल्कुल आप कहाँ से नोट कर सकते हो, जो अरिथमेटिक में मैंने नाम लिखाए थे ना ऊपर, उन्हीं के नाम से, बस असाइन एडिशन, असाइन सब्ट्रैक्शन, असाइन मल्टीप्लीकेशन, असाइन डिवीजन, असाइन रिमाइंडर, असाइन पावर, असाइन फ्लोर डिवीजन, और ऑपरेटर भी बिल्कुल ऐसे लग जाएंगे, माइनस इज इक्वल्स टू, इनटू इज इक्वल्स टू। अब इनका मीनिंग क्या होता है, क्यों लिखे जाते हैं ये, इसको ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक ए नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 5 है, ठीक। आप प्रिंट करते हो, आप प्रिंट स्टेटमेंट में लिखते हो ए, तो सभी लोगों को पता है कि भाई जब हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि प्रिंट हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं, जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने प्रिंट की एक्सप्लेनेशन दी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रिंट ए करने पे ए की जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है प्रिंट हो जाएगी, ठीक, दैट इज 5 आ जाएगा। फिर अगली लाइन में मैं प्रिंट करता हूं ए प्लस 10। अब सभी को पता है इसमें भी कि भाई सर जो ए की वैल्यू 5 है उसमें 10 ऐड होगा और 15 हमें प्रिंट हो जाएगा, मगर इसके बाद अगर मैं प्रिंट ए करता हूं, इसके बाद अगर मैं प्रिंट ए करता हूं तो क्या तब भी 15 ही आएगा या 5 आएगा, तब 5 आएगा। क्यों 5 आएगा, क्योंकि
हमारा ये जो 15 था ये बस 10 की वैल्यू ऐड करके शो हो रहा था, ना कि ए में स्टोर हो रहा था, इस वजह से वो ए की वैल्यू को नहीं बदलेगा। तो सर कौन सा ऐसा केस है जिससे बदल देगा? अब मैं इसी को एग्जाम्पल नंबर 2 से समझाता हूँ। एग्जाम्पल 2, ठीक है, अब सिचुएशन देखना। मैं क्या लिखता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 5, ए इज इक्वल्स टू 5, प्रिंट करता हूँ ए। तो इस सिचुएशन में तो सभी को पता है कि भाई 5 आ जाएगा, इस सिचुएशन में 5 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद मैं लिखता हूँ ए प्लस इज इक्वल्स टू 10, या ऐसे लिखता हूँ ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 10, और फिर प्रिंट करता हूँ ए। तो अब सबको पता है कि, अब देखो मैंने किया क्या है, मैंने इसको प्रिंट में लिखने की बजाय ऐसे लिखा और उसे ए में स्टोर भी करा दिया। तो इसका मतलब ए में 10 ऐड करो और साथ में ए में स्टोर भी कर दो। तो इससे क्या है, आपके ओरिजिनल ए की वैल्यू बदल जाएगी। अब आप ए को प्रिंट करोगे ना, अब आप ए को प्रिंट करोगे तो आपको 15 मिलेगा, मगर ए प्लस 10 प्रिंट करोगे तो आपके 15 में प्लस 10 होगा और आंसर 25 हो जाएगा। मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है इसने आपके ए को बदल दिया और इस वाली ने नहीं बदला। क्यों? क्योंकि वो बस 10 प्लस होके शो हो रहा है, ना कि ए में स्टोर हो रहा है, मगर इधर वो स्टोर हो रहा है। तो इसी स्टेटमेंट को आप शॉर्ट हैंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस इज इक्वल्स टू 10। ये इसका, इस वाली स्टेटमेंट का शॉर्ट हैंड है और ये इस स्टेटमेंट का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। दोनों का मतलब सेम है, वर्किंग में कोई फर्क नहीं है, कंप्यूटर जो इसे समझता है वही इसे समझता है, बट ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करके किया गया है, ये नॉर्मली स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है। होप क्लियर सभी को। और ऐसे यहाँ पे आप a इज इक्वल्स टू a माइनस 10 लिखोगे तो यहाँ माइनस इज इक्वल्स टू 10 कर सकते हो, इंटू 10 करोगे तो इंटू इज इक्वल्स टू 10 कर सकते हो। तो ऐसे ही आप कैसे भी इसे ऑपरेट कर सकते हो। जितने भी ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट के, जितने भी मैंने लिखा है, असाइन सब्ट्रैक्शन, असाइन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब डायरेक्टली ऐसे चलते हैं। होप सभी को असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी क्लियर। इसके बाद फिफ्थ ऑपरेटर, फिफ्थ ऑपरेटर है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसको भी समझ लो भाई, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होता है, ठीक। इसके बारे में लिखो, द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, द देयर आर सॉरी देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, दो ही आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं आपके पास। पहला फर्स्ट इज, सेकंड is not, ठीक। ये क्या करता है, check whether identity is same or is same, और ये check करता है, check whether identity is not same। मतलब कोडिंग में अगर हम एक वेरिएबल बनाते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं ए, उसकी वैल्यू क्या रखते हैं 5, एक वेरिएबल बनाते हैं बी, उसकी वैल्यू भी क्या रखते हैं 5, तो लॉजिकली पता है हमें क्या लगता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि ए को अलग वेरिएबल की मेमोरी मिली, बी को अलग वेरिएबल की मेमोरी मिली और दोनों को दोनों में 5 स्टोर हो गया। मगर ये अदर लैंग्वेजेस का किस्सा है भाई, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे होते तो बिल्कुल ऐसा ही होता। मगर पाइथन क्या करता है, अगर वो सेम वैल्यू देखता है ना, जैसे उसने 5 देखा दोनों वेरिएबल्स में, तो वो क्या करेगा, 5 को एक सिंगल मेमोरी में बना लेगा और ए को भी उसी मेमोरी को पॉइंट करा देगा और बी को भी उसी मेमोरी में पॉइंट करा देगा। इसका मतलब ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन या सेम मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ही नंबर को अपने अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप प्रिंट ए इज बी लिखोगे ना, ए इज बी, तो ये आपको ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों की आइडेंटिटी सेम है, एक ही तो वेरिएबल है ना, एक ही नंबर है ना 5, और वो दोनों सेम ही मेमोरी पे स्टोर हो रखे हैं, तो ए इज बी ट्रू आ जाएगा। मगर यहीं पे अगर आपके पास एक x नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू 7 है और एक y नाम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू 9 है, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल है, और अगर आप प्रिंट लिखते हो a इज सॉरी x इज y, तो अब ट्रू नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है। मगर यहीं पे अगर आप इस की जगह इज नॉट यूज करते,
हाँ भाई सीधी सी बात है, दोनों की आइडेंटिटी अलग है, सेम नहीं है, तो ये आपको ट्रू ही दे देता वापस से। ठीक, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्लियर, होप यही दो आइडेंटिटी ऑपरेटर से आपके पास। इसके बाद लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर बचा हमारा ऑपरेटर्स में, दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। इसमें भी दो ही ऑपरेटर्स आते हैं, फर्स्ट है इन ऑपरेटर, ये करता है चेक वेदर द वैल्यू इज इन इन द सीक्वेंस, वैल्यू एक सीक्वेंस में है या नहीं, और सेकंड है नॉट इन, नॉट इन ये क्या करता है, चेक whether the value is not in the sequence, value sequence में है या नहीं, नहीं है। ठीक, example अगर मैं लिखता हूँ p in, एक sequence pass करता हूँ मतलब string pass करता हूँ prince, क्या p prince में है, बिल्कुल है भाई, capital p, true। मगर यही मैं लिखता हूँ p small p है in prince, क्या P prince में है, अब नहीं है, क्यों, क्योंकि कैपिटल स्मॉल में फर्क होता है, तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। यहाँ पे अगला एक और कंसेप्ट दिखाता हूं, अगर मान लो मैं लिखता हूं 24 और 24 इन, और इसके सामने एक लिस्ट बना, लिस्ट क्या होती है आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, डेटा टाइप्स जब करेंगे, तो क्या 24 इन 34 67 21 89 99, क्या इस लिस्ट में हमारे पास 24 है, नहीं भाई ये मुझे फॉल्स देगा। ठीक, मगर मैं लिखता हूं 35 नॉट इन, और यही सेम ऊपर वाली लिस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूं, एक मिनट, कंट्रोल सी। ठीक, अब मुझे ये ट्रू दे देगा, क्यों, क्योंकि 34 नहीं है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर भी सभी को क्लियर, ये जो इन ऑपरेटर ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप्स में यूज आएगा इसका, जब लूप्स पे पहुंचेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका। ठीक, क्लियर, इतने ही ऑपरेटर्स है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में। आज हमने ऑपरेटर्स कर लिया, टोकन्स ऑलमोस्ट समझ लो खत्म ही हो गया है, अब बस एक पंक्चुएटर्स रह गया है, तो वो तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक, आज के लेक्चर हम यही एंड करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और लाइक शेयर कर देना, और सीरीज को फॉलो करो, एक भी वीडियो मिस मत करना, मेरी तरफ से वीडियो रोज सुबह 11 बजे रोज एक वीडियो आ जाए करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।